गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। बड़ा शानदार चुनाव लड़ा आपने कुरुक्षेत्र में, क्या कांड रहे बिल्कुल नजदीक आके हार गए? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा था जी, परंतु गांव का और शहर का हर व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से वोट 36 बिरादरी, हर धर्म, हर जाति के लोग हमें दे रहे हैं जी। बाद में जब समीक्षा की तो ऐसा लगा कि शहरों से कुछ कम वोट हमें मिली, और उसका बेसिक कारण मीडिया भी रहा जी। तो 24 घंटे नेशनल मीडिया 400 पार दिखाता रहा, उसने कहीं ना कहीं वोटर को भ्रमित किया जी। तो क्या नेशनल मीडिया का बड़ा योगदान आप मान रहे हो इसको? है लेकिन हाँ। आपकी पार्टी को तो शहरों की पार्टी मुख्य माना जाता है। देखिए, हमारी पार्टी तो शहर में भी है, गाँव में भी है जी, हर गरीब के साथ है। परंतु शहर का व्यक्ति जो पूरे दिन अपने कारोबार में व्यस्त रहता है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे किसी चीज में हो, शाम सवेरे टेलीविजन पे लगा रहता है, वो जो टेलीविजन पे 400 पार दिखता रहा जी, वहाँ पे वो भ्रमित हुआ जी। अरविंद केजरीवाल भी आपके चुनाव प्रचार में आए थे, जेल से छूटने के बाद भगवंत मान भी आए, माहौल बड़ा अपने पीक पे गया आपका चुनाव, एक बार शर्तें लगी, गुप्ता जी चुनाव जीत रहे हैं, आखिर में एंड में आके एकदम 5,13,000 वोट मुझे मिली जी। 15,000 और वोट मिल जाती तो मैं जीत जाता। कहीं ना कहीं धन का अथाह प्रयोग हुआ जी, सारे हिंदुस्तान के बाबा वहाँ रह गए। धन की तो आपके पास भी कमी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक व्यापारी घराने में पैदा हुआ हूँ, अलग बात है, परंतु किसान परिवार से मैं संबंध रखता हूँ जी। ठीक है, और अभय चौटाला का योगदान, वहाँ ये चर्चाएं शुरू से थी कि वो तो इनको हराने के लिए आए हैं सुशील गुप्ता को। वो तो स्पष्ट था पूरे क्षेत्र के अंदर कि वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे थे, बीजेपी ही उनको फाइनेंस कर रही थी और उन्हीं के लिए उन्होंने काम किया। उनको तो खुद पता था जीत के कहीं नज़दीक भी नहीं आई जी। जो इन लो के 10 के 10 प्रत्याशी मिल के जो वोट नहीं ले पाए, जेजेपी के 10 के 10 प्रत्याशी मिलकर जो वोट नहीं ले पाए, बीएसपी के 10 प्रत्याशी मिलकर जो वोट नहीं ले पाए, वो आम आदमी पार्टी ने अकेले कुरुक्षेत्र का दल लिया। तो क्या ये, और ये कहूँ मैं, तीनों पार्टियां मिला के जितनी वोट नहीं ले पाई, आम आदमी पार्टी ने एक सीट पे उतनी वोट, यानी पूरे हरियाणा से इनेलो, जेजेपी, बसपा नहीं ले पाई, वो आप अकेले आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में लेगी जी। जी जी, इसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान मानते हैं आप? हाँ, गठबंधन के साथी थे तो गठबंधन का सहयोग पूरा रहा। तो क्या गठबंधन आगे विधानसभा में जारी रहेगा? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, मेरा नहीं। हम तो अपनी 90 के 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं जी। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा हम उनके साथ। और आपकी हार के बाद अनुराग ढांडा ने कहा कि भाई कांग्रेस वालों ने हमारा तन मन धन से साथ नहीं दिया, इस कारण हम चुनाव आ रहे। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। क्या जवाब है, दर्शक दोबारा जानना चाहेंगे पड़ताल टीवी पर? कहीं ना कहीं मेरा एक मानना है कि साथ तो सबने दिया था जी। रणदीप सुरजेवाला की तरफ भी कुछ लोगों ने उंगलियां उठाई। निसंदेह किसी के ऊपर संदेह करना मुझे ऐसा लगता है कि जायज नहीं होता। हमने पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लिए काम किया जी, और कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया जी, और दोनों ने गठबंधन धर्म को निभाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के दिल मिल गए थे वहाँ पर? हाँ, पूरी तरीके से। और पूरे पार्लियामेंट्री में आपकी लीड 4 हलकों में रही, 5 में पीछे रहे आप। 4 हलकों में हमारी लीड रही, 2 पे हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं जी। जो 2 पे आप कम मार्जिन से आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो 5 में आ रहे हैं उसका, उनका क्या कारण है, उन हलकों में लीड क्यों नहीं मिल पाई? वही शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र है, जहाँ जहाँ शहरी क्षेत्र रहा वहाँ वहाँ टेलीविजन का प्रभाव रहा जी, वहाँ वहाँ गोदी मीडिया का प्रभाव। शहरी में जो बढ़िया वोटर है, और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये लग रहा था कि उसमें गुस्सा है, वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, ऐसा नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। 36 बिरादरी ने वोट दिया, हर जाति ने वोट दिया, जाति विशेष का ऐसा कोई ऐसा प्रभाव नहीं रहा कि जाति विशेष ने हमें वोट ना दिया, जातियों ने तो सबने दिए जी। और बिल्कुल कम मार्जिन पे किनारे पे आके अटके आप, 15,000 वोट भी इधर से जी जी।
मतलब मात्र 29,000 से नवीन जिंदल जीते, 15,000 इधर से उधर होते तो। हाँ हाँ, इसके अंदर जिंदल साहब ने सारे धर्मगुरु वहाँ बुला लिए थे जी, सारे बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री, कई कई मुख्यमंत्री सब वहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए थे जी। और क्या कारण रहा हरियाणा के साथ दिल्ली में भी आप एक भी सीट नहीं जीत पाए? वही शहरी क्षेत्र की बात है, शहरी क्षेत्र जहाँ भी आया है, दिल्ली तो पूरा ही शहर है, इसीलिए इसीलिए वहाँ पे इंडिया का गठबंधन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रहा है और गांव में मजबूत रहा। ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप जीत जाते हैं, जब भी लोकसभा चुनाव पिछला भी देखें इस बार की लोकसभा चुनाव में आप लोग हार जाते हैं, क्या लोग मोदी को वोट दिया फिर दिल्ली के लोगों ने? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी चिकित्सा दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली पानी दे रहे हैं, बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है। केंद्र की जब बात आती है जी, तो ये मीडिया का प्रभाव भी चलता है और उनके एजेंसीज भी साथ चलती हैं, अनेकों फैक्टर होते हैं। और दिल्ली सरकार के कुछ लोगों की बात करें, जैसे राघव चड्ढा थे, वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बाहर रहे, देश में ही नहीं आ पाए। नहीं, पंजाब के अंदर उन्होंने रैलियां की, मैंने खुद, हालांकि मैं कुरुक्षेत्र व्यस्त था, परंतु मैंने खुद उनको प्रचार करते हुए पंजाब में देखा है। लेकिन दिल्ली में नहीं आए वो चुनाव जब दिल्ली का था? नहीं, दिल्ली में भी आए होंगे, चुनाव तो साथ ही था। और उनके बारे में ये भी चर्चाएं हैं कि वो पार्टी कभी भी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा है? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं, कभी ऐसी बात भी नहीं। और चुनाव के बीच में ही जब केजरीवाल जी जेल में गए थे, उसमें आपके राजकुमार आनंद एक मंत्री का इस्तीफा भी हो गया था, वो बस ईडी और सीबीआई का दबाव लगातार चल रहा है, व्यापारी घराने से संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत रहती है, ईडी के दबाव के कारण ही है, पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी ने कई बार कोशिश की, परंतु आज तक अपनी किसी कोशिश में कभी वो कामयाब नहीं हुआ। स्वाति मालीवाल का मुद्दा बहुत गर्म है दिल्ली में, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के सहयोगी पर जो आरोप लगाए हैं, क्या इसके पीछे की क्या कहानी मानते हैं? ऑनेस्टली तो कहानी का तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्री व्यस्त रहा, उस समय चुनाव चल रहे थे, आम आदमी पार्टी ने महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनको पहुंचाया, और उसके कुछ दिन बाद ही फिर पार्टी के लाइन के खिलाफ खड़ा हो जाना, क्या एक्चुअल में वो उनके साथ गलत हुआ या इसके पीछे कोई षड्यंत्र आप मान रहे हैं? देखिए, ईमानदारी की बात कहूँगा, मेरी इस विषय पर जानकारी नहीं है, इस विषय से, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र में था, खुद चुनाव लड़ रहा था, खुद पूरा व्यस्त था, उसके बाद ना तो मेरी विभव से बात हुई ना मेरी स्वाति से बात हुई, तो आई कैन नॉट से व्हाट इज द फैक्ट। और केजरीवाल जी अभी तक जैसे जेल में हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया मुख्यमंत्री पद से, क्या ये कब तक इस तरह रहेगा? ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है कि जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाए और इस्तीफा भी देना पड़े। ठीक है, हरियाणा पे लौटते हैं, 5-5 का मैंडेट हरियाणा की जनता ने दिया है, अगला विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी इसमें किस तरह की? आम आदमी पार्टी 90 के 90 विधानसभा पे तैयारी कर रही है, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता पे तैयारी कर रही है। आज उसी विषय में हमने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, हमारे सारे प्रदेश के संगठन मंत्री भी आए थे और सारे के सारे लोकसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी आए थे जी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत हम कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर आ रही है 30 तारीख को जी, कहाँ? 30 जून को, समय जगह तय हो जाएगी, जगह तय नहीं। कोई रैली है सुनीता केजरीवाल की जी? अच्छा, 30 जून को हरियाणा में उनकी पहली रैली रहेगी, यानी कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा उसी दिन से। बिल्कुल, जगह फाइनल नहीं हुई है अभी। ठीक है, तो यानी कि आप अभी तो कोई आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि 90 विधानसभाओं पे पार्टी मजबूत हो, हर बूथ पे पार्टी मजबूत हो। अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने करना है, अरविंद केजरीवाल जी ने करना। क्या आपको लगता है कि गठबंधन करें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, कांग्रेस जारी रहे तो? मैं समझता हूँ मेरा विषय नहीं है, अगर हाईकमांड मेरे से पूछेगा तो जरूर उनको मैं अवगत कराऊंगा, आज इस विषय में कुछ भी बोलना अनुचित होगा।
लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है कि संविधान का, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। हरियाणा के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यहाँ के किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरेंगे? संविधान तो मुद्दा है ही, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा चिकित्सा है, बेरोजगारी है, बिजली है, पानी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, बहुत मुद्दे हैं। आप लोग जब भी बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, तो एक उदाहरण देते हैं कि दिल्ली में हमने शिक्षा क्षेत्र में बिल्कुल स्कूल हमने मॉडल कर दिए हैं, हमने वहाँ चिकित्सा बदल दी है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में तो आप कुछ उसका असर नहीं दिखा पाए चुनाव में, तो हरियाणा के लोग कैसे वोट देंगे फिर इस मुद्दे के अंदर बीजेपी को? पहले चुनाव में हमने थ्री व्हीलर पार्टी बना दिया था, पंजाब में उनको हमने साइकिल पार्टी बना दिया था, और हरियाणा में इनका साइकिल भी छीनेंगे, दो विधायक भी नहीं आने वाले। ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं आप लोग, देख लेना। क्या मानते हैं कि खट्टर साहब को बदलने के बाद हरियाणा में बीजेपी कमजोर हुई है? देखिए, चेहरे बदलने से बात नहीं बनेगी, लोग सरकार बदलना चाहते हैं। अब तो सरकार पूरे इलेक्शन चुनावी मोड में आ गई है, खूब घोषणाएं कर रही हैं, 10 साल में पहली बार गरीबों को 100-100 के प्लाट बांटने भी शुरू कर दिए। क्या असर इनका रहेगा? चुनाव आता ना तो बुखार चढ़ता है, इनको गर्मी में भी दिक्कतें हो रही है, ये जो मर्जी कर ले। एक मैं देख रहा था कि जन संबंधी कुछ इन्होंने ट्रिब्यून में निकाला, इन्होंने 67 काम की घोषणा की और सबकी डेट चुनाव के बाद की रखी है जी। लॉलीपॉप देना इनकी पुरानी आदत है, अब जनता ने लॉलीपॉप खाने छोड़ दिए जी, हेल्थ कॉन्शियस हो गई जनता। बड़ी बात करें आप जी जी। और ये बताओ, जैसे अभी जो ये चुनाव था, इसमें से हम बात करें 5-5 की जो हुई है, इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या, आप मानते हैं कि पूरा तन मंधन से, जहां कांग्रेस तन मंधन से 9 सीटों के ऊपर उनका और 10वीं कुरुक्षेत्र, 10 जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने तन मंधन से कहा। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 30 जून को हरियाणा में सुनीता केजरीवाल की रैली होने जा रही है, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, और उसके बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जो सियासी गतिविधियां हैं बढ़ जाएंगी। धन्यवाद।